जल्दी से दोस्तों टेक टीवी सूरज को सब्सक्राइब कर लीजिए, दबाइए ये लाल बटन और उसके बाद में आ जाएगा नोटिफिकेशन बेल, उसको भी दबा दीजिए इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टीवी सूरज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी आप कान में पहनते हो, रिंग्स, झुमके, बालियां, नाक में जो आप पहनते हो या हाथों में अंगूठियां जो पहनते हो, अगर वो रात को गिर जाएं तो हम उनको कैसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आप एक बार सोच लेना, अगर रात को आपके रूम में आपकी कान से निकल के आपकी बाली गिर गई तो आप उसको कैसे ढूंढोगे। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा कि हम पहले तो अपने रूम की लाइट ऑन करेंगे और लाइट ऑन करके उसको ढूंढ लेंगे। यही चीज़ आप करते होगे तो दोस्तों ऐसा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। तो आप कैसे उसको आसानी से ढूंढ सकते हो, आपका टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने रूम की लाइट्स को बंद कर दीजिए। अब तुम कहोगे कि यार तो पागल है, रूम की लाइट हम बंद कर देंगे तो उसको ढूंढेंगे कैसे। तो पूरी बात सुनना, पहले अपने रूम की लाइट्स को बंद कर दो। लाइट्स को बंद करने के बाद में जो आपकी चीज़ गिरी है ना जहाँ पे, वहाँ पे अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन कर लो। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर लोगे ना, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करते ही वो चीज़ अपने आप चमक पड़ेगी और आपको मिल जाएगी। जो अपनी नॉर्मल लाइट का आप जो यूज़ करते हो उसमें वो चीज़ चमकेगी नहीं, आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। हो सकता है मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, टाइम लग जाता है। अगर छोटी सी जगह में गुम हुई है तो मिल तो जाएगी ही। तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, कोई भी चीज़ गिरा के रूम की लाइट बंद करके फ्लैश लाइट ऑन कर दो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। गेम को जीत के ही वीडियो को फिनिश करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।